चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है, सोनाली फोगाट को लेकर बड़ी खबर है, जहां सोनाली फोगाट ने दिए गए विवादित बयान को लेकर अब सफाई दी है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिग बॉस फेम बिग बॉस एवं बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट एक बार फिर नए विवाद में गिर गई है। वे शुरू से ही किसान आंदोलन का विरोध करती नजर आ रही थी, मगर अब उनका दिया गया एक बयान देश भर में वायरल हो रहा है। सोनाली फोगाट ने एक वीडियो में कहा था कि बॉर्डर पर बैठे सब लोग किसान नहीं है, इनमें कुछ लफंगे भी हैं जिन्हें घर में कोई काम नहीं होता, क्योंकि घर में रहेंगे तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर ऐसे हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई है। बॉर्डर पर बैठे लोगों को फ्री में शराब और मुर्गा मिल जाता है। उनका ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो गया। इसके बाद तीखी बयानबाजी भी सामने आ रही है। हालांकि सोनाली ने यह भी कहा था कि मैं किसान के खिलाफ नहीं हूं, मगर जो लोग बवाल कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, मैं उन्हें किसान नहीं मानती। सोनाली फोगाट ने इस बयान पर आजकल कंडेला वाली ताई के नाम से प्रचलित महिला ने टिगरी बॉर्डर से लाई होकर सोनाली फोगाट पर कई तरह के सवाल खड़े किए थे। वहीं उन्होंने सोनाली फोगाट के लिए कई तरह की आपत्तिजनक बातें भी कही हैं। वहीं इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित पूनम पंडित ने भी सोनाली फोगाट के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए हद में रहने की हिदायत दी है। सोनाली फोगाट के लिए हिसार में सक्रिय आप पार्टी नेता मनोज राठी ने भी कई तरह की बातें कही है, जिसमें उन्हें पेशे और परिवार को लेकर भी मुद्दा उठाया है। इन सब बातों को लेकर सोनाली फोगाट भी आग बबूला हो गई। उन्होंने मनोज राठी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुम नहीं सुधरे और बार बार मेरे पति की मौत होने के मामले को विवाद देने की कोशिश की, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वही कंडेला वाली ताई को भी सोनाली फोगाट ने सुझाव दिया है कि वो उनकी निजी जिंदगी के बारे में न बोले, यह ठीक नहीं है। हम बता देते हैं कि सोनाली फोगाट इन दिनों कार्यकर्ताओं की बैठक ले रही है, मगर तीन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को लेकर उनका विरोध हो रहा है। जब दो गांव में ऐसा हुआ तो वे आग बबूला हो गई। लायू आकर चेतावनी दे डाली कि जहां भी जाएगी बताकर जाएगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन पहले ही वे किसी समस्या को लेकर एक सरकारी कार्यालय पहुंची थी। वहां दिए गए बयान में उन्होंने आंदोलनकारियों को लेकर ऐसा बयान दिया कि वह तूल पकड़ गया। किसान नेताओं का कहना है कि सोनाली फोगाट का यह बयान राकेश टिकैत, गुरनाम चडूनी और अन्य शीर्ष नेताओं का भी अपमान करने वाला है, इसलिए उनका विरोध करेंगे। बने रहे चैनल के साथ, धन्यवाद।